हाय फ्रेंड्स, राधे राधे आप सबको। कैसे हो आप सब? मैं रेखा, आज मैं अपना फर्स्ट कुकिंग का चैलेंज आप सबके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आज फर्स्ट डिश अपनी बनाने जा रही हूँ, बिस्किट का चॉकलेट केक। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप सबको मेरी रेसिपी से कुछ हेल्प मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आप सबको मेरे आज केक बनाने की कुकिंग रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उनको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, प्लीज लाइक अच्छे से कीजिए। और न्यू बाकी नए जनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे आप सबको, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सबको मैंने आप सबको कहा था मैं आप सबको बिस्किट का केक बनाना सिखाऊंगी, तो उसके लिए सबसे मैंने पहले मैंने एक मिक्सचर का जार ले लिया है। उसके बाद मैं ये सब क्रीम बिस्किट ले रही हूँ। इसमें ये बर्बन चॉकलेट क्रीम बिस्किट है, प्लेन बिस्किट है एंड गुड डे बिस्किट है। अब मैं इन सब बिस्किट को तोड़ तोड़ के इस मिक्सचर के जार में इस तरीके से डालती जाऊंगी। हमें इन सबको पीस लेना है। हमें सूखा ही पीस लेना है इसे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने मिक्सचर में ये पीस लिया है और मैंने इसमें एक चम्मच शुद्ध देसी घी डाला है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने, ऐसे ही रहने दिया। और चीनी भी मैंने इसके साथ में ही पीस ली थी। अब मैं इसमें ये बटर ऐड करूँगी। उसके बाद ये कच्चा दूध है अमूल पैकेट का। अब मैं धीरे धीरे करके इसको मिलाऊंगी। एक ग्लास दूध ले लेंगे हम। मीठा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कितना मीठा चाहिए, क्योंकि क्रीम बिस्किट ऑलरेडी मीठे ही होते हैं। अच्छे से इसको फेंट लेंगे हम। आप अलग टोपिया में भी कर सकते हो, पर मैं इसी का यूज ले रही हूं। इस तरीके से अब मैं इसमें एक पाउच ये इनो डाल दूंगी स्टीम के लिए। फिर से हम इसको मिलाएंगे। देखिए हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए हमें और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, इस तरीके से ये बनना चाहिए। अब मैं देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं पहले इसको गर्म पानी करने के लिए चढ़ा दी थी, मैंने इसमें इतना गर्म पानी डाला है। फिर ये स्टैंड डाल के इसी में ये बैटर जो मैंने आपको दिखाया था वो डाल दिया। अब मैं इसको इस तरीके से ढक दूंगी। अब 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। 25 मिनट बाद हमारा केक रेडी हो जाएगा बनके। हेलो फ्रेंड्स,
अब देखिए 25-20 मिनट हो चुकी है, अब मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ी देर 10 मिनट ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसको डेकोरेट करूंगी। गरम को कभी भी छूना भी नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसको अब ठंडा कर लिया केक को, और उस इडली के स्टैंड से मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब ये डॉक्टर ओटकर का ये वाला चॉकलेट फ्लेवर का क्रीम वाला मैं यूज करूंगी। इसके ऊपर आपको जितनी क्रीम चाहिए उस हिसाब से आप धीरे धीरे करके लगा सकते हो, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब इसको फैला दी। देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं ये जेम्स ली हूँ, जेम्स से मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी। जिस भी टाइप से आपको डेकोरेट करना है आप कर सकते हो। गरम गरम में आप इसको कभी भी बाहर ना निकालें, इसको ठंडा होने दें आधे घंटे के लिए, उसके बाद ही आप इसको बाहर निकालें और उसके बाद ही आप डेकोरेट करना स्टार्ट करें। ये मिठाई है दोस्तों, छोटी छोटी मार्केट में मिल जाती है, इसको भी हम इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। संदेश बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। ये कोई भी बंगाली मिठाई की शॉप में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखिए मेरा केक बनके रेडी है, अब आप सब बताइए ये कैसा बना। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं आगे किस टाइप की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँ, और प्लीज मुझे बताइएगा आप सबको ये केक कैसा लगा। राधे राधे।